हेलो दोस्तों, आज हम एक लॉन्ग ब्लाउज कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट में। तो इसको कटिंग करना बिल्कुल आसान है, जैसे शॉर्ट ब्लाउज कटिंग होता है इसी तरह से लॉन्ग भी हो जाएगा। नीचे सेप थोड़ा बाहर की तरफ देना है, तो वेस्ट से नीचे थोड़ा सा बाहर की तरफ जाता है इसका सेप, और कैसे बिठाया जाता है वो आज हम सीखेंगे। और ये इसको जो है हाई नेक में बनाएंगे, इसमें बैक में लो रहेगा लेकिन पीछे आगे से हाई रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, कैसे कटिंग किया जाता है आज हम सीख। तो देखिए क्या करेंगे, एक मार्किंग ले लेंगे, एक सीधा मार्किंग लेंगे शोल्डर के लिए, और उसके नीचे एक 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। वो नीचे पीछे से कॉलर जैसा हाई जाएगा, इसलिए जो है हमको नीचे से मार्किंग करना है। तो नीचे मार्किंग करेंगे तो पीछे कॉलर निकालने के लिए आसान रहेगा। इसका शोल्डर 16 है तो हम ये 15 के हिसाब से 7.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि ये फ्रंट जो है थोड़ा सा टाइट में रखता हूँ हर पीस में। टाइट रखने से क्या होता है कि आगे जो है वो बल नहीं पड़ता है, नेक लूज नहीं बैठता है, बराबर टाइट बैठता है, इसलिए जो है हमको लेना चाहिए। और ये 7 इंच जो है शोल्डर उतार के हम एक मार्किंग कर देंगे। उसके बाद में ये शोल्डर का निशान और ये जो आर्म होल का निशान है जो डाउन का है उसको हम मैच कर देंगे। एक निशान हम लगा लिए, उसके बाद में हम यहाँ पे अब क्या करेंगे कि नेक का निशान लगा लेंगे। ये वी नेक रहेगा तो इसको हम एक 9 इंच पे एक निशान लगा लिए, और ये 3 इंच का गैप लेके और वहाँ से 1.25 इंच का एक अंदर की तरफ एक निशान लेके, और यहीं से हम नेक को जो लो का निशान लगाए थे उससे ला के हम मैच कर देंगे। ये सीधा ऊपर जाएगा क्योंकि ऊपर का हिस्सा ये टर्न होके बैग में कॉलर की तरह बैठेगा, इसलिए हम ये निशान ऊपर तक लेके जाएंगे। और ये 1.25 इंच का एक निशान लगाते हुए हमको ऊपर जाना है। 1.25 इंच भी लगा सकते हैं, 1.5 इंच भी लगा सकते हैं, 1 इंच भी लगा सकते हैं, वो उसमें कुछ वो नहीं है, जो जैसा आपको लगे कि हाँ हमको इतना कस्टमर के हिसाब से जितना बोलेंगे उस हिसाब से लेना पड़ता है। तो मैं 1.25 इंच का लिया हूँ। उसके बाद मैं डार्ट पॉइंट का एक निशान लगा के वहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे, और इसके बाद में ये 10.5 पे हमने डाट का लगाया है। अब इसका लेंथ 21 इंच है, ये लॉन्ग ब्लाउज है तो लॉन्ग ब्लाउज का लेंथ देख 21 रखा है, जो हिप के ऊपर ही होता है, जो लोअर वेस्ट होता है उस पर बैठता है। और इसको हम प्रिंसेस कट जैसा हम लोग ब्लाउज में लेते हैं उसी तरफ से हमको लेना है। अभी हम एक सीधा मार्किंग कर लिए हैं शेप का, लेकिन जब हम कटिंग करेंगे तो थोड़ा सा बाहर की तरफ कटिंग करेंगे नीचे का हिस्सा, क्योंकि नीचे का हिस्सा टाइट हो जाएगा अगर हम इसी शेप में कटिंग करेंगे तो। तो अभी हम ये नेक का ये कटिंग कर लेंगे, नेक का निकाल लेंगे जो भी है, उसके बाद में हम शोल्डर का वो निकालेंगे। तो ये देखिए ये जो है स्ट्रेट लाइन है, वहाँ आप हुक भी लगा सकते हैं, मीटो मीट भी कर सकते हैं, जो भी करना है बटन कर सकते हैं, लूप बटन लगा सकते हैं, तो जो भी करना है फ्रंट ओपनिंग में आप कर सकते हो। बढ़ा के रखना है तो बढ़ा भी सकते हो आप, ओवरलैपिंग करना है तो 1 इंच करीब आपको 1.25 इंच के करीब बढ़ाना पड़ेगा तो ओवरलैपिंग भी हो जाएगा। लेकिन अभी या तो बंद रखना है तो बंद भी कर सकते हैं आप, तो जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं कटिंग किया हूँ, मीटो मीट किया हूँ, मार्जिन कहीं भी नहीं रखा हूँ मैं। मेरे कटिंग में मार्जिन नहीं रहता है, जब हम फैब्रिक पर कटिंग करते हैं तो मार्जिन रखते हैं। तो ये देखिए ये जो है अभी यहाँ पर हमको वो करना है, डार्ट निकाल ले रहे हैं। तो ये 3.75 इंच का हम डार्ट निकालेंगे, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 1.5 इंच का फ़र्क है। तो हम यहाँ पे जहाँ पे वेस्ट है वहाँ डार्ट को नापेंगे, और नीचे का हिस्सा हम स्ट्रेट कर लेंगे, बाहर की तरफ नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तो टाइट होएगा कमर पे। तो इसलिए जो है हमको ऐसे ले आके मिला देना है, जैसे हम प्रिंसेस कट कटिंग करते हैं सारे, मेरा स्टाइल है कटिंग करने का उस हिसाब से ही करेंगे। ये 4 इंच ऊपर है तो नीचे जो है देखिए जितना भी है वो बढ़ा के और वहाँ पे 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ये भी फिक्स नहीं है, इसको भी हम चेक करके बाद में सेटिंग करेंगे कि ये कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कम रहता है, कम काटना ठीक है, ज़्यादा मत काटिए, ज़्यादा काट लेंगे तो फिर ऊपर नहीं चढ़ा पाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही रखता हूँ। तो ये देखिए जितना चेस्ट है अपर चेस्ट उतना ही लेना है, और जो डार्ट में निकलेगा उतना हमको यहाँ पर बढ़ा के और ऐसे आर्म होल को ला के मिला देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कमर का नापेंगे, कमर देखिए कितना माइनस है उतना उधर माइनस करके, और जो भी हमारा 31 है, 31 हमारा वेस्ट है तो 31 यानी कि 1.5 इंच पे एक निशान लगा के, और ये निशान को ऐसा सीधा कर देंगे, ये सीधा नीचे तक चले जाएंगे।
क्योंकि हमारा लंबा ब्लाउज है तो कमर का नाप हमको थोड़ा ऊपर ही लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। कटिंग ऐसे करके अब फिर हम देखेंगे कि बराबर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, उसको चेक करेंगे एक बार। ये परफेक्ट नहीं मैं कटिंग करता हूँ, क्योंकि जब बाद में मिलाता हूँ तो एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो आप देखिए कैसे मैं इसको मिलाता हूँ एकदम जहाँ पे चाहिए, ऐसा चेक कर लेता हूँ मैं। तो आप लोग भी ऐसा करिए और करके देखिए एक बार मेरे तरीके से, तो देखिए कितना परफेक्ट कटिंग आता है। ये देखिए मिलाने के बाद में ये वेस्ट मिला के नीचे की तरफ जाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा है वहाँ पे हम उतना निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर रख के आरमोल को चेक करेंगे। तो मेरा आरमोल कितना है वो हिसाब से हमको नापना है। तो ये 8.5 इंच हमको नापना है। तो 8.5 इंच कहाँ बैठता है, ये ऊपर की तरफ भी देखिए, ये जो पैनल है प्रिंसेस कट का वो थोड़ा बाहर निकला था जब हम सेंटर मिलाए थे, तो उतना निकाल के ऐसा सेट कर देना है और एक बढ़िया सा अंदर की तरफ लेते हुए एकदम बेहतरीन शेप से कटिंग कर लेना है। यहाँ मार्किंग भी कर सकते हैं आप, नहीं भी करेंगे तो चलता है। आपके अंदर अगर ज़रूरी नहीं है मार्किंग करना तो मत करिए, और नहीं तो ज़रूरी लगे तो वहाँ मार्किंग भी कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे का देखिए थोड़ा बड़ा हुआ था तो बढ़ा के उतना निकाल देना है, और यहाँ आप एक राउंड शेप जैसा देंगे। इसका वेस्ट जो है थोड़ा ऊपर की तरफ उठाएंगे और सेंटर थोड़ा लो रखेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से शेप दिखाई दे। लॉन्ग ब्लाउज स्ट्रेट काटेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा साइड ऊपर करके ही लेना पड़ता है तो अच्छा शेप दिखाई देता है। ऐसा राउंड जैसा हल्का सा साइड में जाते हुए थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा तो अच्छा दिखाई देगा। तो उस हिसाब से हमको ये मार्किंग करके और ये कटिंग कर लेना है। तो देखिए ये कटिंग कर लेंगे। ये इसका लो वेस्ट 34 था और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कितना हमारा लो वेस्ट का मेजरमेंट आया है। अगर इससे कम है ज़्यादा है तो वहाँ पे हम सेट कर लेंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक बराबर आ गया है, 8.5 है यानी 34 ठीक है। थोड़ा 19-20 होता है कोई बात नहीं, जब हम फैब्रिक पे करेंगे तो वहाँ एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा पेपर कर रख के देखेंगे तो बराबर आ गया है। अब इसका हम बैक कटिंग करेंगे। तो बैक को क्या करना है वो देख लीजिए। तो बैक को क्या करना है, ये जो हम 1.5 इंच माइनस किए थे, लेकिन इसमें नहीं करना है, इसमें वहाँ सेंटर से आगे की तरफ बढ़ा के ही निशान लगाना है। वो जो भी शोल्डर हमारा है ओरिजिनल शोल्डर 16 इंच का, उतना हम जो है शोल्डर का नाप लेंगे वहाँ से 8 इंच पे, और 8 इंच पे ही सीधा निशान लगाएंगे। तो हम चेक कर लेंगे यहाँ पे कि कितना इंच आ रहा है। वहाँ देखिए 0.5 इंच के करीब जो हम यहाँ पे माइनस था वो हम फ्रंट में माइनस किए थे, वो यहाँ पे हम पूरा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे गला टाइट रखना है, फ्रंट में लूज नहीं आना चाहिए, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो कभी भी आप लोग कटिंग करो तो इतना ध्यान रखें कि फ्रंट में लूज नहीं आना चाहिए, चिपक के पूरा बैठना चाहिए बॉडी को, तो इसलिए जो है हम ऐसा करते हैं। और देखिए ये भी मैंने थोड़ा सा 0.25 इंच उठा लिया था ऊपर, 0.5 इंच, और उठाने के बाद में ये मैच करके देख लेंगे कॉलर घुमा के कि कहाँ घूम के कितने पे बैठता है, उतने पे मार्किंग करके, और जो भी एक्स्ट्रा है हम उसको काट सकते हैं। पीछे का जो नेक है उसका भी शेप दे सकते हैं मिला के। तो इस तरह करने से एकदम बेहतरीन शेप आएगा। जब आप उस पर जो है कटिंग करके जब ज्वाइंट करेंगे तो आपको बेहतरीन एकदम ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम अच्छी तरीके से बैठेगा वो कॉलर। देखिए एक्स्ट्रा हमने मीटो काट लिया। आप फैब्रिक पे कटिंग करना है तो आप बढ़ा भी सकते हो, और नहीं बढ़ाना है तो मीटो भी लगा सकते हो, ऊपर तक जिप भी लगा सकते हो अगर लगाना है तो, वो आपकी मर्जी है, जैसा सिलाई करना है वैसा कर सकते हो। अभी देखिए शोल्डर हमारा 16 इंच का ये बराबर आ गया है। अब यहाँ से हम बैक का मार्किंग करेंगे कि बैक कैसे निकालना है। तो ये ऐसे मिला के थोड़ा सा डाउन कर लेंगे, ऐसा अपनी तरफ खींच के यहाँ पे जो आर्मोल का लेंथ है और जो ब्लाउज़ का लेंथ है वो निकालेंगे हम इसमें। तो देखिए आर्मोल का लेंथ नीचे आ गया है, तो बैक का थोड़ा लो, और देखिए कैसा बैठा है, तो वहीं पे हम निशान लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, ऐसा टर्न करके रोक देंगे, और रोकने के बाद में यहीं पे एक निशान लगाएंगे। जो भी इस तरह से करने से क्या होता है, जब हम साइड ज्वाइंट करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ज़रा भी इधर उधर नहीं होगा। और यहाँ पे हम साइड का लेंथ का भी निशान लगा लेंगे ताकि बैक का लेंथ वहीं कटेगा जहाँ पे ये इसका फ्रंट का साइड का लेंथ आया है, वहीं पे लगाएंगे, क्योंकि छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आर्मोल को ऐसे शेप दे देंगे। आपको अगर ऐसे देना है तो ऐसे दो, नहीं तो शेप पट्टी से भी आप दे सकते हो फ्रेंच करवा से, वो आपको, मुझे तो ऐसे चल जाता है तो मैं आप ऐसे दे रहा हूँ, आप भी ट्राई करो ऐसे ही, क्योंकि ये स्केल इस्तेमाल करके कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, उसका शेप कभी कभी अच्छा नहीं आता है। तो इस तरह से जो हाथ से आप जो शेप दोगे
वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और ये हम डाट का निशान लगाएंगे क्योंकि बैग में भी डाट देना है, तो लंबा ब्लाउज है तो हम ये कैसे कुर्तियों में देते हैं उस टाइप का डाट का हमको निशान लगाना है। 4.5-4 इंच का निशान लगा लेंगे दोनों तरफ, 9 इंच का डाट रख के जितना भी दबाना है 1.25 इंच के करीब उतना हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये निशान नीचे तक भी जा सकते हैं आप, आपको ये लंबा ब्लाउज है नीचे एंड तक भी जा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे ख़त्म कर देंगे। आप नीचे भी लॉन्ग भी पूरा ले आके नीचे लेंथ में ख़त्म करके थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो वहाँ भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से अब निशान लगाने के बाद में साइड का निशान लगा लेंगे, साइड में भी देख लेंगे कि हमारा 34 यानी कि जो मेजरमेंट है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे हमको निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद में हमको कटिंग कर देना है। तो डाट अगर नीचे तक ले जाना है तो थोड़ा बढ़ा कर रखना है, जो डाट का निकलेगा वो हमको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये वो जो साइड का हमारा लेंथ निकला था उससे स्ट्रेट एक मार्किंग कर लेंगे, तो उस मार्किंग से ला के स्ट्रेट हमको रख लेना है और कटिंग कर देना है इसको। तो ये मार्किंग हो गया, देख लीजिए, अब इसको हम काट लेंगे। जो भी है जो फर्मा पे मार्किंग हो गया, मार्जिंग इसमें कहीं नहीं है, तो मार्जिंग आपको साइड में ज़्यादा रखना है। और यहाँ पे जो भी एक एक दाब 3-3 सूत के करीब दबाते हैं वो दबाने के हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। तो ये कटिंग हो गया, देख लीजिए अभी कैसा हो गया, ये बैग हमारा कटिंग हो गया। अभी इसको क्या करेंगे कि ये फ्रंट रख के चेक कर लेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं, तो वो तो आएगा ही क्योंकि पहले ही हमने चेक करके कटिंग किया था। फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए कि कैसा बैठेगा, पीछे से हाई नेक है, पीछे से कॉलर जैसा दिखेगा और आगे से भी नेक रहेगा, ठीक है। तो इसका मैं फ़ोटो भी दिखा दूंगा, और जब ये ऐसा ज्वाइंट करेंगे तो ये पैडिंग की जगह पे पफ क्रिएट होगा जो भी होता है, तो उस हिसाब से ये मैंने कटिंग किया है। ये लॉन्ग ब्लाउज है प्रिंसेस कट में, तो लॉन्ग टॉप कैसा होता है वो कुर्तियों पे पहना जाता है, साड़ियों पे भी लोग पहनते हैं लंबा कुर्ती, उस हिसाब से ये है। तो हाई नेक है, ये लो नेक भी आप कटिंग कर सकते हैं, जो भी नेक काटना है इसमें कटिंग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने हाई किया है तो हाई ही होगा इसमें। देखिए मैंने डाट नीचे से निकाला है, तो इस तरह से नीचे से भी आप निकाल सकते हैं, और भी मतलब थोड़ा गैप देके भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हल्का बाहर की तरफ वहाँ पे जाना चाहिए ताकि जो लोअर रेस्ट अपना है वहाँ पे टाइट नहीं होना चाहिए, जो भी मेजरमेंट है उस पर जाके बैठना चाहिए। तो उस हिसाब से डाट का शेप जो है इस तरीके से ही आपको लेना है, ब्लाउज़ की तरह नहीं लेना है। ब्लाउज शॉर्ट होता है जो कमर पे ख़त्म होता है, ये नीचे जाता है लोअर वेस्ट पे ख़त्म होता है, तो लोअर रेस्ट वेस्ट से हमेशा बड़ा होता है, तो आपको वो चेप से देखना है। इसका नेक अगर बैग में बंद रखना है तो बंद भी कर सकते हैं, ऊपर से नीचे तक जिप लगा के या चैन लगा या मतलब हुक लगा के या जिप लगा के आप बंद कर सकते हैं, जैसा भी करना है। लेकिन अगर ऐसा लो भी देना है तो आप दे सकते हैं। तो देखिए मैंने एक डिज़ाइन कर दिया है ऐसा ड्रॉप शेप का, तो इस तरह का भी नेक कटिंग इसमें किया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत बंद बंद अच्छा है, जिसको नहीं लगता है वो ऐसा इस तरह का लो ले सकता है। तो ये ऑप्शन है, मतलब दोनों बात है, जैसा करना है आप कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने ऐसा कटिंग कर दिया नेक, तो इस तरह से ये कटिंग होता है, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको क्या करेंगे कि हम ये रख के दिखा दे रहे हैं आपका, ये हमारा कटिंग जो है हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग भी ऐसा ब्लाउज़ कटिंग करो, और मेरा ये अगर कटिंग आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने वीडियो को शेयर करो दोस्तों में। और आपको जो भी कटिंग करवाना है मुझसे, अगर चाहते हो आप लोग करवाना तो आप लोग करवा सकते हो, आप मुझे मैसेज करो, मैं कटिंग करके आपको दूंगा, दिखाऊंगा। जो भी है, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, कुछ भी उसमें वो नहीं है। आपको जो भी सीखना है, जानना है कि कैसे, मैं करके आपको दिखाऊंगा, जो भी आपको जानना है मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़। ये आप लोग देख लीजिए कैसे आया है, ये फैब्रिक होता तो एकदम बेहतरीन आता है, ये पेपर पे इतना अच्छा नहीं आता है। तो ये ऐसे बैठेगा, तो देखिए कैसा दिख रहा है, ये कॉलर देखिए कैसे बैठा हुआ है, ये देखिए ये ऐसे बैठता है, ये कॉलर है ऐसे आएगा। अगर फैब्रिक पे कटिंग करेंगे और लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। ये पेपर पे है तो ये टाइट टाइट होता है, तो ये बैठता नहीं है बराबर, लेकिन फिर भी देख लीजिए कैसा दिख रहा है। ये कटिंग का देख लीजिए, शोल्डर देख लीजिए,